हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। 22 तारीख के दिन मैं मेरी वाइफ को ले के आया था भाई। मेरे बच्चे का डेड इधर ही होगा भाई, सरला मैडम हॉस्पिटल में। इधर कुछ भी इधर मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा साहब। मेरे बच्चे का डेड हो गया, आज मेरे वाइफ का भी जो कल रात में 12 बजे डेड हो गया साहब। मैं इतना प्रोटेक्ट करने के बाद भी यहाँ कोई कुछ हरकत नहीं हो रही साहब यहाँ पे। या आगे भी क्या ऐसी जाना जाते रहेंगे क्या साहब? मेरे तरह कोई भी जो है मेरे बच्चों के सर का उलवा भी यतीम होते रहेंगे क्या साहब? हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि इसके बारे में कुछ सजेस्ट कदम उठाइए, इसका लाइसेंस कैंसिल करिए और इसका हॉस्पिटल बंद करिए साहब। मेरा जो है वाइफ भी चलेगा, मेरा बच्चा भी चलेगा, जब ये जो है सरला मैडम के लापरवाही की वजह से साहब। आज देखिए, आज मेरी हालत 6 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ साहब। आप मेरी हेल्प करिए, थोड़ी मेरी मदद करिए और इस केस पे जो है आप थोड़ी तवज्जो लीजिए साहब। परसों कंप्लेंट करे थे? हाँ, कंप्लेंट भी करी हुई है साहब, पुलिस स्टेशन में, संतोष नगर PS में करी हुई है साहब। जी हो कराई हुई है साहब। साहब काफी आज भी हॉस्पिटल चल रहा साहब, इतना सब होने के बाद भी साहब। सुने आप, ये देखिए ये FIR की कापी है मेरे पास। सुनिए साहब, अभी जो है मेरी वाइफ का पोस्टमार्टम हो के अभी उधर से निकले, मैं इधर आया साहब। मेरे को जो है साहब मेरे को इंसाफ चाहिए साहब, मेरे को इंसाफ चाहिए मेरे को साहब। आज मेरे दो बच्चियां जो है हॉस्पिटल वालों का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है साहब। मैं जो है यहाँ पे 3:30-4 के दरमियान में आया, मैं रात में 4 बजे तक था साहब। यहाँ पे स्कैनिंग निकाले, इंजेक्शन दिए, कोई डॉक्टर का जो है रिस्पॉन्स ही नहीं है यहाँ पे साहब। सुनिए आप, इतना ये मिले कि पुलिस आपके ऊपर जुल्म करके डेड बॉडी को यहाँ पे नहलाने दे रही है? जी हाँ, हम लोग यहाँ लाके जो प्रोटेक्ट करेंगे बोले साहब। हम यहाँ यहाँ पे कुछ नुकसान करने के चक्कर में नहीं थे साहब, हम सीधा लाके इसी जैसा आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम इसी कर लेके चलेंगे बोले तो साहब लोग लपको बोले। हम उनकी बात पे और उनके भरोसे पे हम लोग आए तैयार, उन्होंने जो फैसला करेंगे। मेरे को इंसाफ होना है साहब, आप लोग की मेहरबानी। सुनिए, सपोर्ट करना चाहिए ना पुलिस, लेकिन यहाँ पे लाश को लपको लाओ बोल के बोल रहे हैं साहब। यहाँ पे बीवी की लाश को लपको लाओ, सुनिए आप हमारी लाश बीवी की यहाँ पे लपको लाओ बोल के बोले। हम लोगों की बात को एक्सेप्ट कर लेके जो है हम लोग यहाँ पे भिजा दिए। हम लोग हमारे को जो है इंसाफ होना है साहब। आज मेरे दो बच्चे आए, आज यतीम बैठे हुए साहब। आगे चल के मैं ये जो कर रहा हूँ ना साहब, किसी के भी जो ऐसा नहीं होना बोल के साहब। ये हॉस्पिटल के बारे में आप इंक्वायरी कीजिए, जरा मालूम करिए इसमें कितने केस आए, ऐसी कितने जने जो है उजड़ चुके हैं यहाँ पे, कितने बच्चे जो यतीम हो गए आने से पहले साहब, जरा मालूम करिए साहब। हुकूमत से दरखास्त और पैसों की भी हमारे कहने परसों आके कोई सरला मैडम के सर्जन है, कहते हैं राज नाम है उनका। अब जो है बच्चे का जो भी होगा हो गया, हम लोग जो आपको 3 लाख रुपए ऑफर कर रहे हैं, हम 3 लाख रुपए देते बोल के मालूम हुआ साहब। पोस्टमार्टम लोग को करो बोल के बोल रहे साहब, हमारे मालूम हुआ साहब। सुने हमारे भाई को बोल के गए, मैं ऊपर ही था वाइफ करने साहब। इसके बारे में जल्द कदम उठाइए साहब, आप लोग मेहरबानी होंगी आपकी साहब। सुने आप, जबीन सुल्तान है उनका नाम, 38 है साहब। 5 दिन हो गया साहब बच्चे, मैडम 5 दिन हो गया बच्चे को लेके जाके तस्वीर करके, क्या बोले पुलिस वाले, यहाँ से चले जाओ, हम लोग एक्शन ले रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं बोले। आज अब तक भी उसको नहीं पकड़े, उन्हें आजाद फिर रही उन्हें, बस इंसाफ होना, उसको पकड़ना, उसका सब लाइसेंस जब्त करना, हमारे को ये हॉस्पिटल बंद होना, उसको सजा होना, बस हमारे साथ हुआ जो दूसरों के साथ नहीं होना, हमारे साथ जो हो गया पलट के तो नहीं आता वापस, आगे वालों के साथ नहीं होना बस, ऐसा नहीं। 4 दिन हमारे सामने दिखावे को बंद कर दिए, 4 दिन के बाद पैसे खा के उसको छोड़ दिए, उसका दवाखाना चलना ही नहीं। पुलिस अगर आपको सपोर्ट नहीं करे तो मेडिकल ऑफिस में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ, तो पुलिस खाली भरोसा दे रही, पुलिस के भरोसे पे तो यहाँ तक आ गए हम, आज को 7 दिन हो गया, यहाँ तक आ गए हम। तो एक तरफा काम कर रही पुलिस, इस तरफ का काम कर रही, अब मिलके क्या कर रही पुलिस हम तो नहीं जानते, अल्लाह को मालूम है, पुलिस को मालूम है। बस सुने, बस हमारे को इंसाफ होना, मैडम को यहाँ बुलाइए, आप उनसे बात करा, बुलाना बस। क्या बोल रहे पुलिस वाले, डॉक्टर है, डॉक्टर से गलती होती, किसी को कहते बॉडी में अंदर किसी को नहीं जमता, ऐसा होती गलती, किसी की कहते बॉडी गर्म रहती, किसी को ठंडी रहती, बता भाई पुलिस वाले डॉक्टर का काम कब से कर रही? पुलिस तो पुलिस का काम इंक्वायरी करेंगी, डॉक्टर का काम पुलिस कर रही तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है फिर हॉस्पिटल में। शुगर थी आपके वाइफ को बोले तो 3 साल से शुगर है, मेरे बच्चे शुगर में छोड़े, शुगर में 2 ऑलरेडी, शुगर में 9 महीने से बता रहा हूँ मैं, 9 महीने से यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा मेरा पूरा। सुनिए आप, सुने 2 बच्चिया शुगर में हुए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद थे, हमारे भाभी सेहतमंद थे। सुने आज 2 जाना चले गए, क्या बीत रही हमारे दिल पे, पुलिस उनको खादा फिरा रही, हम एक्शन ले रहे मैडम जाओ, हम एक्शन ले रहे सर जाओ बोलते हमें तो भिजा दिए, अब यह ला रहे हम हमारी जेठानी को तो नाने नहीं दिए, और आप घर पे भी जाके देख ले सकते, पुलिस वाले संगत एम्बुलेंस में गए घर तक, और कहीं नहीं रोकना एम्बुलेंस, कहीं नहीं रोकना कोरोना पेशेंट है, जब इतने कैसे नहीं करे अब कहीं क्यों करे, कहीं नहीं रुकना, पहाड़ी में रुकना एम्बुलेंस बोले। सुने बस इंसाफ होना, हमारे दूसरा कुछ भी नहीं।